हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो रिक्वायरमेंट है वो रशिया का रिक्वायरमेंट है और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा है, वर्क परमिट है। ठीक है, मैंने आपको बोला है कोई भी बंदा अगर विजिट वीजा देता है किधर का, नहीं जाने का, ठीक है, गल्फ कंट्री का, गल्फ के बाहर अगर किधर जाते हैं तो बहुत सारे कंपनी जो है विजिट वीजा देते हैं, बहुत सारे वर्क परमिट वीजा देते हैं, लेकिन हमारा काम है ज़्यादातर वर्क परमिट पर भी काम करने का, क्योंकि विजिट वीजा में हम बहुत ज़्यादा धोखा खा चुके हैं। ठीक है, इसलिए बंद किया अभी पूरा। और हमारे पास जो है वर्क परमिट वीजा है रशिया का, अभी चल रहा है, आयरलैंड का चल रहा है, तुर्की का वीजा है, एम्प्लॉयमेंट वीजा है, ठीक है, और आर्मेनिया का भी चालू है, लेकिन उसमें जो है वर्क परमिट नहीं देती है गवर्नमेंट वहाँ का, तो 4 महीने का वीज़ा मिलता है। 1 महीने के वीज़ा में भी जाएंगे वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशल कार्ड बन गया आपका तो वही वीज़ा है समझ लो। ठीक है, वीज़ा से कोई मतलब नहीं रखता है, वीज़ा आपका निकलता है ट्रैवल के लिए। एक बार आप ट्रैवल कर लिए, उधर पहुँच गए, तो वीज़ा का कहानी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, कोई भी बंदा अगर आपको पकड़ता है, पुलिस वाला पकड़ता है, तो कोई वीज़ा नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा काम करते हुए सोशल कार्ड किधर है आपका, काम करने का सोशल कार्ड बनता है आपका, और 3 महीने के अंदर टीआरसी मिल जाती है। टीआरसी मिलने के बाद आप किधर भी जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, कोई भी कंट्री मूव कर सकते हो, कोई पकड़ कर नहीं है वहाँ। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स है आर्मेनिया जाने का, ठीक है ना। और हमारे पास जो रशिया का रिक्वायरमेंट है, सैलरी अच्छी है इसमें, और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, वर्क परमिट वीज़ा है, इसमें जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वीज़ा मिला, टिकट मिला, जाकर के उधर कंपनी ज्वाइन किए, काम किए, सैलरी मिला, कोई टेंशन नहीं है, भागम भाग इधर भी कहीं पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो काम है वो फैक्ट्री हेल्पर का काम है, और हेल्पर ही में पैकिंग करने का काम है, वीडियो मैंने डाला है, वो वीडियो देख लीजिए, जो काम वीडियो में बता रहा है सेम वही काम करना है। ठीक है ना, और काम जो है बहुत अच्छा काम है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, और सर्विस चार्ज भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई भी बंदा अफोर्ड कर सकता है, कोई भी बंदा इतना सैलरी या सर्विस चार्ज लगा करके जा सकता है। ठीक है, अभी आप सऊदी अरबिया के अंदर अगर आप जाते हैं, 25,000 सैलरी रहती है, इंडियन मनी 30,000 सैलरी रहती है, 1 लाख रुपए खर्चा करते हो। ठीक है ना, वही 1 लाख और लगा करके अगर आप रशिया जाते हैं, यानी कि 2 लाख अगर लगा करके रशिया जाते हैं, तो सैलरी आपको डबल, ढाई गुना, तीन गुना मिलता है सैलरी, 60,000 प्लस सैलरी है। ठीक है ना, बेसिक सैलरी 60,000 है, उसके बाद खाना रहना फ्री है। ठीक है, इसमें आपको कितना खर्चा करना है, 2 लाख खर्चा करना है। ठीक है ना, 2 लाख में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, मंथली का आपको 80,000, 90,000, 1 लाख तक किधर भी नहीं जाएगा। ठीक है, और मेडिकल का भी कोई इशू नहीं है, नॉर्मल मेडिकल करके आप फ्लाइट कर सकते हैं। और सऊदी के अंदर अगर आप जाते हैं तो गमका मेडिकल होती है, गमका मेडिकल में बहुत सारे लोचा होता है, सीने में दाग हो जाता है, कुछ भी थोड़ा भी पॉइंट अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो मेडिकल अनफिट, फिर वो बंदा जा नहीं सकता उधर। ठीक है, और रशिया में क्या नॉर्मल मेडिकल है, नॉर्मल मेडिकल में कोई भी बंदा किधर भी जा सकता है, बात को समझने का कोशिश करो। ठीक है, और 25,000 अगर आप कमा रहे हो जाकर के वहाँ पे तो क्या मतलब है, 30,000 कमा रहे हो क्या मतलब है, अगर कमाना ही है, 70,000 80,000 मंथली मिल रहा है, उधर जाओ, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा करके जाओ। ठीक है ना, बेसिक सैलरी 60,000 है, यानी कि इंडियन 60,000, और वहाँ का जो है यूएसडी डॉलर 750 यूएसडी डॉलर दे रहा है कंपनी आपको। 8 घंटे का ड्यूटी है,
एसी और एसी नॉट दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है, ठीक है। उसके बाद जो है वन कंपनी आपको रूम फ्री में दे रहे हैं, ठीक है ना। एज लिमिट जो है 20 साल से लेकर के 40 साल का बंदा ट्रेवल कर सकता है। और ओवर टाइम का आपको अलग से दिया जाएगा, हफ्ते में एक दिन छुट्टी है वहाँ पे, ठीक है ना। और डायरेक्ट वर्क परमिट है आपका, डॉक्यूमेंट्स मुझे, पासपोर्ट का बैक एंड फ्रंट का स्कैन कॉपी, रिज्यूम, पासपोर्ट साइज फोटो, वैक्सीन का पेपर, एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए इसमें एडवांस देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये रशिया का वीज़ा है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, बाद में जाते नहीं है, ओरिजिनल पासपोर्ट थमा देंगे, बाद में बोलेंगे भाई मुझे पासपोर्ट नहीं चाहिए, तो दूसरा पासपोर्ट बना लेगा, पासपोर्ट बनाने में क्या जाता है किसी का, ठीक है ना। तो इसमें एडवांस है और जेन्युइन काम है, स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस रहता है उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है ना। अगर जाना है तो अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कीजिए, या मुंबई ऑफिस में आकर के एक बार मिल लीजिए, मीटिंग कर लीजिए, क्या है क्या नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।